गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द असाइनमेंट ऑफ क्लास थर्ड चैप्टर वन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर. यानी कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसे हम ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं. तो इसका आंसर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स को हम ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं. इसका आंसर पूरा देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड चाइल्ड कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर. यानी कौन सा है होता है स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, कौन से होते हैं. आंसर है इसका, माइक्रो कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर. यानी जो माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर उनको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. यानी कि कंप्यूटर के 3 फीचर्स आपको बताने हैं कंप्यूटर के. तो अब इसका आंसर है द 3. यहाँ स्टूडेंट्स 3 कर लीजिए, द 3 फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर आर. 3 फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड. कंप्यूटर क्या करता है, बहुत हाई स्पीड में वर्क करता है. यहाँ इट की जगह आप कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, यहाँ इट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है. नेक्स्ट है, इट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. यानी कि जो कंप्यूटर है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकता है. अब और आपको फ्यूचर में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको दिखा भी सकता है. नेक्स्ट है, इट ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है. तो ये है इसके 3 फीचर्स, कंप्यूटर के 3 फीचर्स. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के 3 एग्जांपल्स बताने हैं. तो इसका आंसर है द 3, यहाँ पे 3 कर लीजिए, द 3 एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. जो 3 एग्जांपल हैं माइक्रो कंप्यूटर के वो हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर. ये किसके अंदर आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंडफादर कंप्यूटर. यानी कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसे हम ग्रैंडफादर कंप्यूटर कहते हैं. तो ग्रैंडफादर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंडफादर कंप्यूटर. यानी सुपर जो कंप्यूटर है उसे हम ग्रैंडफादर कंप्यूटर भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज चाइल्ड कंप्यूटर. यानी कि कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जिसे हम चाइल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं. तो इसका आंसर है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर को हम चाइल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं. तो मिनी कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज चाइल्ड कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स. यानी कौन सा कंप्यूटर ऐसा है जो सबसे फास्ट काम करता है. सबसे, वैसे तो सारे कंप्यूटर फास्ट काम करते हैं, बट फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है. तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन कंप्यूटर परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम. यानी कि क्या कंप्यूटर एक ही समय में बहुत सारे वर्क कर सकता है. तो हाँ, यस, कर सकता है कंप्यूटर. कंप्यूटर परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क एट द सेम टाइम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. यानी जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.